मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त वो ले रहे हैं, कर रहे हैं। आइए सीधा आपको लाइव लिए चलते हैं, सुनते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो समाजवादी हो, उनका जो एजेंडा है वो परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण के आधार पर चलने वाले। अभी आपने देखा होगा कल की दो बड़ी घटनाएं आपके सामने आई है। एक घटना तो वो जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी के प्रमाण पत्र उन्होंने रद्द करते हुए ममता बनर्जी को तुष्टिकरण की राजनीति पर एक बहुत बड़ा ताला लगाया है। दूसरी ओर आपने देखा होगा कांग्रेस ने जिस तरह से दलित, पीड़ित, ओबीसी, एसटी जो उनके मन में वो उनके प्रति विचार रखती है वो विचार निकल करके आया है। कांग्रेस की उस स्थिति को राहुल गांधी जी ने स्वीकार किया है कि कांग्रेस ने आजादी से लेकर 70 साल तक गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी महिलाओं के साथ कैसा अन्याय किया है। ये ईडी गठबंधन के सभी घटक दल जो हैं उनकी मानसिकता है और वो मानसिकता आपने देखी है। जिस तरह से दलित, ओबीसी, आदिवासी का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं, जब तक भाजपा है वह दलित, ओबीसी, आदिवासियों के अधिकारों पर किसी भी प्रकार का डाका नहीं डालने दिया जाएगा। यह हमारा स्पष्ट है क्योंकि देश संविधान के हिसाब से चलेगा, देश तुष्टिकरण के आधार से नहीं चलेगा। आपने देखा है कलकत्ता हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए 2010 से 2014 तक तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी सरकार ने जितने प्रमाण पत्र जारी किए थे उस सबको रद्द कर दिया है। लेकिन उनकी उस तुष्टिकरण की पराकाष्ठा देखिए, जिस तरह से उन्होंने उस हाई कोर्ट के आदेश पर जो प्रतिक्रिया दी है वो आपके सामने है। ममता बनर्जी ने बिना कोई सर्वेक्षण कराए 118 मुस्लिम जातियां को सीधे ओबीसी में शामिल कर ये सभी मुसलमानों को आरक्षण का लाभ दे दिया, जो कि संविधान की मूल भावना के सरासर उल्लंघन है क्योंकि हमारा संविधान किसी धर्म के आधार पर किसी आरक्षण को स्वीकार नहीं करता है। ममता बनर्जी ने पिछड़े वर्ग के अधिकार पर डाका डालते हुए उनसे आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है, तभी तो हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करती हूं। ओबीसी आरक्षण वैसे ही जारी रहेगा यह ममता बनर्जी के अहंकार को दिखाता है और देश के संविधान के खिलाफ तृणमूल और ईडी गठबंधन की सोच को दर्शाता है कि हम किस तरह से संविधान की धज्जिया उड़ाने का काम हम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कोर्ट के निर्णय पर जिस तरह का बयान दिया वो अराजकता का प्रतीक है, यह आंदोलन की अदालत की अवमानना है। तो यही संविधान का अपमान, तो ही साथ ही यह पश्चिम बंगाल की जनता के साथ विश्वासघात है क्योंकि हमारे संविधान में जैसा मैंने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। जून 2023 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
एनसीबीसी ने पाया कि रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। एनसीबीसी ने यह भी पाया कि राज्य में हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम ओबीसी जातियां अधिक थीं। हालांकि पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन उसको किसी ना किसी तार से जोड़ करके उन्होंने उनको फायदा देने के लिए उसकी संख्या बढ़ाने का काम ममता बनर्जी जी ने किया। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में जिन 179 जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया है, 179 का दर्जा दिया है ममता बनर्जी सरकार द्वारा दिया गया, उनमें से 118 जातियां मुस्लिम समुदाय की जातियां हैं। 118 जातियां, आप इसी से अनुमान लगा सकते हो कि किस तरह का तुष्टिकरण का आधार बनाते हुए उन्होंने इस काम को किया है। एक मैं आपसे कहना था, ममता दीदी, आपकी तुष्टिकरण की राजनीति अब नहीं चलने वाली है। 4 जून को बंगाल की जनता कम से कम 35 सीट देने वाली है। बंगाल, पश्चिम बंगाल में मैं होके आया हूं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए।